दोस्तों आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। माता वैष्णो देवी मंदिर देश की पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी कैसे प्रकट हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर में हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वह उसके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका नाम भगवान विष्णु के वंश में हुआ जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मानता है कि वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जा महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विलीन हो गया था। माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने करवाया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी की परम भक्त थी। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगी और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर वहाँ लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि माता वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पधारी हैं और उनके साथ भंडारा तैयार किया गया है। जब देखा पंडित जी ने, श्रीधर जी ने, एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पधारी हैं और उनके साथ भंडारा तैयार करने के लिए वे तैयार हैं। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों को खाने के लिए भी मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या ने श्रीधर की ओर ऐसा करने से इनकार कर दिया इशारा करके, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। जब वह कन्या गायब हो गई तो श्रीधर पंडित जी को बहुत ही दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो देवी माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है और अपने मन की जो भी कामना रखता है वो माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। जो भी भक्तगण वहां पर जाता है तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। एक बार दोस्तों आप अवश्य माता रानी के दर्शन करने जाएं और यह सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत ही भव्य दरबार है, एक बार आप जाके देखिए। ऐसा लगेगा कि आप वहाँ से लौटने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि माता रानी के यहीं चरणों में सेवा करता रहूं और अपने जीवन को धन्य बनाता रहूं। तो दोस्तों जरूर जाइएगा एक बार आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।